वेलकम एवरीवन एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 65 में हम बात कर रहे हैं अल्टर कमांड के बारे में, जिसके पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को चेंज करते हैं नल में, या फिर नल कंस्ट्रेंट को चेंज करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट में। चलिए देखते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा होगा, तो चलिए मैं आपको टेबल से शो करता हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास एक पर्सन नाम का टेबल है जिसमें चार कॉलम है, एक आईडी का, एक नेम का, एक एड्रेस का और एक फ़ोन का। फ़िलहाल इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। तो आप आईडी, नेम, एड्रेस और फ़ोन इस पर्सन टेबल के कॉलम है। आप इधर साइड में देखो, यहाँ पे एक नल वैल्यू है। तो देखिए, आईडी में नॉट नल कंस्ट्रेंट लगी हुई है, सिमिलरली नेम में भी नॉट नल कंस्ट्रेंट लगी हुई है, एड्रेस में उसकी वैल्यू नल है और फ़ोन में वहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगी हुई है। तो इस लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को हम चेंज करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम सिंटैक्स की बात करें तो पहले हम लिख लेते हैं हाउ टू चेंज नॉट null constraint, how to change not null constraint। syntax में आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा alter command के बारे में आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ, और इसके बारे में और detail में जानना चाहते हो तो आप lecture 65 के part 1 को एक बार जरूर देख लो, मैं recommend करूँगा, ताकि आपको alter command हम क्यों use करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। अभी जो हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को चेंज करेंगे वो भी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड से ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अल्टर कमांड को हम यूज करते हैं जो भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस में, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर कमांड को यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अल्टर कमांड को हम यूज करते हैं जो भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस में उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट टेबल हो सकता है, या एक व्यू हो सकता है, या एक प्रोसीड्योर हो सकता है, ठीक है। और डिटेल में जानना है तो आप पार्ट वन को, लेक्चर 65 के पार्ट वन को एक बार जरूर देख लें। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ टू चेंज नॉट नल और नल कंस्ट्रेंट, ठीक है, हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम सिंटैक्स लिखेंगे। एक्चुअली में नल कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जो कंस्ट्रेंट है हमारी वो नॉट नल है, बट अभी जो हम सिंटैक्स लिखेंगे वो इस दोनों के लिए होगा, या तो आप नॉट नल को नल में चेंज कर सकते हो, या नल को आप नॉट नल में चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब सिंटैक्स की बात करते हैं, ठीक है, सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। तो हम कौन सा कमांड पढ़ रहे हैं अभी, अल्टर। तो जो भी मॉडिफाई होगा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का वो अल्टर कमांड की मदद से, तो हम अल्टर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मेरा किस टाइप का है, तो अभी टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो अगर टेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है तो उस टेबल का क्या होगा, एक नेम होगा, ठीक है, उस टेबल का नेम होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या तो नॉट नल को नल में करनी है, ठीक है, या फिर नल को नॉट नल में करनी है। बट आप ये देखो, यहाँ पे देखो आप, ये जो नॉट नल या जो नल है वो किसके साथ लगा हुआ है, टेबल के कॉलम के साथ लगा हुआ है, ठीक है, टेबल के कॉलम के साथ लगा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, उस कॉलम का नेम देना होगा। तो हम एक कीवर्ड को यूज करेंगे क्योंकि हमें मॉडिफाई करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई, ठीक है। अब जिस भी कॉलम में हमें नल से नॉट नल में कन्वर्ट करनी है, या
नॉट नल से नल में कन्वर्ट करनी है, उस कॉलम का नेम देंगे। ठीक है, उस कॉलम का नेम देंगे। अब ये वही कॉलम नेम होगा जो इस टेबल पे एग्जिस्ट करता होगा, हम किसी दूसरे टेबल के कॉलम नेम को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कॉलम नेम, उसके बाद जो डेटा टाइप होगा उसे हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टाइप, जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, फिर उस डेटा टाइप की साइज। ठीक है, अब यहाँ पे हम या तो नल कर सकते हैं उस कॉलम को या फिर नॉट नल। ठीक है, या तो नल कर सकते हैं या तो नॉट नल, फिर एंड विथ सेमीकोलन। अब देखिए मैं यहाँ पे नल या नॉट नल को स्लैश से क्यों सेपरेट कर रहा हूँ, देखिए अगर ये कॉलम नेम नल वैल्यू कंटेन करती होगी तो हम उसे नॉट नल में चेंज कर सकते हैं, या अगर ये कॉलम नेम नॉट नल कंसिस्ट करती होगी तो हम उसे चेंज करके नल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं उसी टेबल में। तो ये हमारे पास पर्सन नाम की टेबल है, तो अब हम फोन वाले कॉलम में ये जो नॉट नल है उसे हम क्या करते हैं, नल पे चेंज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर, ठीक है, कमांड को यूज किए। अब मुझे टेबल ऑब्जेक्ट पे पास करनी है तो पहले मैं टेबल को लिखता हूँ, और ऑब्जेक्ट का नेम क्या है अभी यहाँ पे, यहाँ पे नाम है पर्सन, तो मैं पर्सन, ठीक है, मैं पर्सन को यूज करूँगा। फिर एक कीवर्ड है मॉडिफाई, अब मॉडिफाई कीवर्ड की हेल्प से आप नॉट नल को नल में या नल को नॉट नल में चेंज कर सकते हो। तो मॉडिफाई, अब किस कॉलम पे अप्लाई करनी है, तो मुझे फ़ोन नंबर वाले कॉलम पे अप्लाई करनी है। उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, ठीक है, उसका नंबर, साइज हम दे दिए। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, वो पहले से नॉट नल है, आप खुद देखो ये जो फ़ोन वाला कॉलम है वो नॉट नल है, ठीक है, वो नॉट नल है, तो अब मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ। ठीक है, और एंड विथ सेमी कॉलन, क्या लिखा, टेबल अल्टर्ड। चलिए मैं टेबल को डिस्क्राइब कर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब पर्सन टेबल, नाउ सी दिस। अब फोन वाले कॉलम में यहाँ पे नल वैल्यू आ गई, ठीक है, नल वैल्यू मीन्स नथिंग, पहले यहाँ नॉट नल थी अब यहाँ पे नल आ गई। ठीक है, मैं फिर से एक बार फिर से फोन वाले कॉलम में अप्लाई करता हूँ, अब तो यहाँ पे नल है, अब मैं उस नल को नॉट नल में चेंज करता हूँ, तो मैं लिखूंगा अल्टर टेबल पर्सन मॉडिफाई फोन नंबर डेटा टाइप और साइज 11, अब इसको नॉट नल, एंटर्ड। देखिए फिर लिखा टेबल अल्टर्ड, मैं फिर से टेबल को अब डिस्क्राइब करता हूँ, नो सी दिस। अब फिर यहाँ दिख रहा है फोन वाला कॉलम अब में नॉट नल कंस्ट्रेंट आ चुका है। तो इस तरीके से आप अल्टर कमांड की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई कीवर्ड आप किसी टेबल के किसी कॉलम की नॉट नल कंस्ट्रेंट को आप नल कंस्ट्रेंट में चेंज कर सकते हो, और नल कंस्ट्रेंट को नॉट नल कंस्ट्रेंट में चेंज कर सकते हो। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेक्चर्स रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो और मैसेज कर सकते हो। और अगर ये लेक्चर्स पसंद आ रही होगी मेरी आपको एसक्यूएल की, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।